मुर्दाबाद साहब बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर आपने ट्वीट भी किया कि छत तक लॉ इन्फोर्समेंट के जो अहलकार हैं वो पहुंच चुके हैं, क्या अपडेट है इस हवाले से? शाजी भी ये 5 मंजिला इमारत है, इसके अंदर पहले 3 फ्लोर जो हैं वो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों ने पहुँच गए, उनकी एक्सेस के लिए उनको क्लियर कर लिया है। तो गालिबा 4थे फ्लोर पर दहशत गर्द कुछ मौजूद हैं, हमारे फिर कुछ अहलकार जो हैं छत तक भी पहुँचे, बिकॉज बीच में इतला ये आई थी कि शायद ये दहशत गर्द इन्होंने एक्सेस छत तक का भी हासिल कर लिया है, तो छत तक हमारे बंदे पहुंच चुके हैं। 4थ फ्लोर पे गालिबन अभी भी कुछ दहशतगर्द मौजूद हैं, जिनको काउंटर करने के लिए स्ट्रेटेजाइज किया जा रहा है, कैसे तमाम डैमेज को अवॉइड करते हुए उनको भी ख़त्म किया जा सके। अभी तक की जो ग्राउंड रियलिटी है शाजिर, उसमें 2 लोग शहीद हुए हैं, जिसमें एक पुलिस वाला है जिसका नाम पुलिस कांस्टेबल गुलाम अब्बास है, और एक हमारा सिविलियन है जो कि केपीओ ऑफिस में काम करता था, वो भी शहीद हुआ इस बदकिस्मत वाकये में। उसके अलावा 6 लोग अभी इंजर्ड हैं, जिनको जिना अस्पताल ले जाया जा चुका है, जिनमें से 2 इस वक्त अंडर ट्रीटमेंट हैं ऑपरेशन थिएटर में, लेकिन सिचुएशन उनकी अलहमदिल्ला अंडर कंट्रोल है, तमाम तबी इमदाद उनको फराहम की जा रही है। वजीर आला सिंध खुद इस वक्त सेंट्रल पुलिस ऑफिस में मौजूद हैं आईजी सिंध के साथ, और तमाम चीज़ों को खुद पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं। सर मुझे ये बताएगा कि जैसे फहीम भी बात कर रहे थे, एक पेशावर में एक बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ, 100 पुलिस एहलकारों की और उनके अहल खाना में से जान चली गई, कि खतरा तो मौजूद था, तो ये इंटेलिजेंस फेलियर भी है, सिक्योरिटी फेलियर भी है, क्या वाकई या इतलात थी इस हवाले से? देखिए शाजिब, दहशतगर्दी एक हमारे लिए चैलेंज है, और पिछले दिनों जो पेशावर में बड़ा बदकिस्मत वाकया हुआ था मस्जिद में खुदकुश बम्बार का धमाके का, वो भी हमारी पुलिस वालों के खिलाफ था। बुनियादी तौर पे हमारे ये जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, इन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ माजी में दहशतगर्दों का सामना किया है, तो नज़र ये आ रहा है कि इनका टारगेट दहशतगर्दों का हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं। इसकी क्या मुहरकात हैं, सिक्योरिटी फेलियर है नहीं है, इन तमाम चीज़ों की जांच की जाएगी, इन्वेस्टिगेट की जाएगी, लेकिन इस वक्त हमारा फोकस यही है कि जो मौजूदा चैलेंज है इसको काबू में हम सिचुएशन को लेकर आए, एंड वंस वी क्रॉस दिस, उसके बाद वो तमाम जो लैप्सेज हैं उनको देखा जाएगा। और ज़ाहिर है आप पुलिस चीफ के साथ, लॉ इन्फोर्समेंट के साथ रबते में भी हैं, वो इस वक्त कॉन्फिडेंट हैं कि ये मामला अब अंडर कंट्रोल है? शादिब देखें, वजीर आला सिंह का खुद यहाँ पर मौजूद होना, हमारे यहाँ पे मौजूद होना, ये शो करता है कि हम सपोर्ट करना चाहते हैं अपने लॉ इन्फोर्समेंट के इदारों को, बिकॉज यही हमारी लाइन ऑफ डिफेंस है, इन्हीं को हमारा दिफा करना है, और इस वक्त बजाय इसके कि हम सवालात उठाएं कि इसमें ये खराबी है वो खराबी है, हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है कि इनको बैक किया जाए, इनको सपोर्ट किया जाए, ताकि इन चीज़ों को हम काबू पा सकें। वो तमाम लोग इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं, पुलिस भी मौजूद है, रेंजर्स भी मौजूद है, पाक फौज के दस्ते भी मौजूद है, और ज्वाइंट तरीके से कार्रवाई जारी है, एंड इंशाल्लाह वी आर होपफुल, वी आर कॉन्फिडेंट, हमारे पुलिस वाले लॉ एनफोर्समेंट वाले कॉन्फिडेंट हैं कि इंशाल्लाह सिचुएशन को जल्द काबू में पा लिया जाए।